हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो इसकी मैं पहले दो वीडियोस डाल चुका हूं जिसमें कि मैंने बेसिक कंसेप्ट डाले थे। उसमें मैंने करवाया था कुछ बेसिक कंसेप्ट्स में कुछ डेफिनेशंस, जैसे कि असेसी की डेफिनेशन हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम की डेफिनेशन हो गई, और कुछ डिडक्शंस के बारे में बताया था। तो इस तरह से जैसे पर्सन के बारे में बताया था, तो इस तरह हमने डेफिनेशंस को कवर किया था। तो अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है, जो नेक्स्ट हमें समझना है इसमें, वो ये समझना है कि कैपिटल रिसीप्ट्स कौन सी होती हैं और रेवेन्यू रिसीप्ट्स कौन सी होती हैं, और इन्हीं के रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस को भी समझेंगे। तो इनका डिफरेंस मेन होता है, डिफरेंस मेनली आता है आपको पेपर में, तो इसीलिए आपको डिफरेंस को ही अपने ध्यान में रखना है। तो ये वाली आपके पास बुक है कल्याणी पब्लिशर की, तो कल्याणी पब्लिशर की आपको बुक ले लेनी है, ठीक है ना। तो जैसे कि वीपी गौर और डीबी नरंग की, पूजा गौर की और राजीव पुरी की। और इसमें हमारे पास ये सेकंड चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू का, जिसमें कि हमारे पास हम डील करेंगे कैपिटल रिसीट से एंड रेवेन्यू रिसीट से। तो इसके रिलेटेड हम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके रिलेटेड कुछ नोट्स बना रखे हैं, तो उन नोट्स में से हम करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंस दिया हुआ है कैपिटल रिसीट्स का और रेवेन्यू रिसीट्स का। तो इसके नोट्स जो है वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नीचे दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? ऐसी रिसीट्स जो कि जनरेट होती हैं किसी इन्वेस्टमेंट से, किसी फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस से, ठीक है। तो जो भी हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे, फाइनेंसिंग का मतलब कि कहाँ पे पैसे लगाना है, कहाँ पे पैसे लगाना है, जो हमारे पास पैसे हैं, जो हमारे पास फंड्स हैं, उनको कहीं पे लगाया इन्वेस्टमेंट की और वहाँ से हमें मनी आ रही है, ठीक है ना। तो वहाँ से जो इनकम जनरेट होगी उसे हम कहेंगे कैपिटल रिसीट्स। और रेवेन्यू रिसीट्स आर द दोज इनकम्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब रेगुलर एक्टिविटीज़, कि रेगुलरली हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जैसे कि गुड्स में हम डील कर रहे हैं, तो हमारी गुड्स क्या हो गई, उनको बेचना, उनको खरीदना, ये रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं और उनसे हमें जो इनकम आती है वो रेवेन्यू रिसीट्स होगी। कैपिटल रिसीट्स हमारी नॉन रिकरिंग नेचर की, नॉन रिकरिंग मतलब बार बार नहीं होंगी, ये साल में एक आधी बार होंगी, और रेवेन्यू रिसीट्स हमारी बार बार होंगी, तो ये रिकरिंग रिसीट्स हो गई, अगेन एंड अगेन आती रहती हैं। तो यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स हो गई लॉन्ग टर्म रिसीट। लॉन्ग टर्म रिसीट क्यों कहा है? क्योंकि ये लंबे टाइम में होती है, क्योंकि ये लंबे टाइम बाद होती है। शॉर्ट टर्म रिसीट इसीलिए कहा है क्योंकि ये बार बार होती रहती है। मान लो आपको रोज इनकम हो रही है, ठीक है, आपको हर रोज इनकम हो रही है डेली बेसिस पे। तो कैपिटल रिसीट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। तो जो भी रिसीट्स आएंगी उसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, और रेवेन्यू रिसीट्स को शो किया जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। तो दीज आर रिसीव्ड, फिफ्थ पॉइंट है, दीज आर रिसीव्ड इन द एक्सचेंज ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर सोर्स ऑफ इनकम कोई है आपका, उसको आप क्या कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो, ठीक है, उसको ख़त्म कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड जो आपको इनकम मिलेगी, उसके रिलेटेड जो आपको इनकम मिलेगी, उसके बदले में जो आपको इनकम मिलेगी, जो पैसा मिलेगा, वो होगी आपकी कैपिटल रिसीव, ठीक है। तो जैसे कि टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मेन सोर्स है आपका एम्प्लॉयमेंट, आपको एम्प्लॉयमेंट से पैसा आ रहा है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको निकाल दिया, तो आपका सोर्स खत्म हो गया। तो आपको निकालते वक्त वो क्या करेगा, एक लमसम अमाउंट देगा आपको कि आप अगली नौकरी ढूंढने तक उस अमाउंट को यूज कर सको अपना खर्चा चलाने के लिए। तो वो सारी लमसम अमाउंट होगी हमारी कैपिटल रिसीट। यहाँ पे आगे फिफ्थ पॉइंट इधर है हमारा, दीज आर रिसीव इन द एक्सचेंज ऑफ द लॉस ऑफ इनकम। तो इनकम में जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए जो हमने कमाया वो क्या है, हमारी इनकम है, वो हमारी रिसीट्स हैं, ठीक है। तो मान लो जो भी खर्चे हुए हैं, जो भी लॉसेस हुए हैं, उनको रिकवर करने के लिए जैसे हम डेबिट साइड में डालते हैं और फिर क्रेडिट में हम इनकम कमाते हैं, तो उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसीव्ड, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं फॉर द कंपेंसेशन रिसीव्ड फॉर द लॉस ऑफ द इनकम विदाउट द टर्मिनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम। तो कंपेंसेशन रिसीव हुई है लॉस ऑफ इनकम को खत्म करने के लिए, ना कि टर्मिनेशन को खत्म करने के लिए, ठीक है, ना कि हमारा सोर्स चला गया, हमारा सोर्स वही है, प्रेजेंट है, बट हमने क्या किया, कंपेंसेशन रिसीव किया, तो उसे कहते हैं कैपिटल रेवेन्यू रिसीव, ठीक है। तो आगे यहाँ पे सिक्स पॉइंट, इट डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द एसेट। तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, यहाँ पे क्या होगा, इट में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ द एसेट और लाइबिलिटी। तो यहाँ पे तो हमें पता है कि एसेट ही बिकेगी या फिर एसेट ही हम लेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पे तो एसेट लेंगे और लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एसेट बेच देंगे तो एसेट्स हमारी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से फर्क पड़ता चलेगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू में क्या है कि रेवेन्यू में हमारे पास हम गुड्स से डील करते हैं और काफ़ी चीज़ों से डील करते हैं, तो इसीलिए एसेट्स पे और लाइबिलिटीज पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे कैपिटल रिसीट्स में सेवन्थ पॉइंट कहते हैं, कैपिटल रिसीट्स व्हेन इन्वेस्टर प्रोड्यूसेस द रेवेन्यू रिसीट, मतलब कैपिटल रिसीट्स को लगाने के बाद हमें रेवेन्यू रिसीट्स मिल सकती है, बट रेवेन्यू रिसीट्स आर नेवर जनरेटिंग द कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट से हमें कैपिटल रिसीट मिल नहीं सकती, ठीक है ना। तो हम रेवेन्यू रिसीट अलग होती है, उससे कैपिटल रिसीट जनरेट नहीं होती, बट कैपिटल को लगाने के बाद, जैसे मशीनरी लगाई, मशीनरी को लगाने के बाद आपको उसमें से रेवेन्यू रिसीट मिलने लगेंगी। ओके, तो एट पॉइंट में फिक्स्ड एसेट्स आर जनरेटिंग द कैपिटल रिसीट्स, यहाँ पे सर्कुलेटिंग एसेट्स आर ऑलवेज जनरेटिंग द रेवेन्यू रिसीट। सर्कुलेटिंग मतलब आपका स्टॉक हो गया। यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स आर द टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड अदर देन कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन के बिना आपके जो भी हेड है, सैलरी का, बिजनेस का, प्रोफेशन का, हाउस प्रॉपर्टी का, अदर सोर्सेज का, तो उसमें ये टैक्सेबल हो जाएगा। आगे आपके पास है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब आर रिलेटेड टू द फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट से जो रिलेटेड वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और करंट एसेट या फिर सर्कुलेटिंग एसेट से जो रिलेटेड होगा वो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर आर मेनली इंकर्ड वंस विद इन अ लॉन्ग पीरियड, तो लंबे समय में सिर्फ एक आधी बार ही पे होगा, बट ये बार बार पे होगा, क्योंकि रेगुलर में आप इनकम कमा रहे हो तो रेगुलर में एक्सपेंसिस भी कर रहे हो। तो एनी एक्सपेंडिचर डन ऑन द परचेज और द सेल ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज नॉन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप किसको परचेज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, परचेज कर रहे हो फिक्स्ड एसेट को, सेल कर रहे हो फिक्स्ड एसेट की, तो फिक्स्ड एसेट को अगर डील कर रहे हो तो उसमें जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड वाइल परचेजिंग और सेलिंग द सर्कुलेटिंग एसेट, तो वो होगा हमारा स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। सर्कुलेटिंग एसेट जैसे स्टॉक इन ट्रेड, तो वो हमारा कैप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ना कि कैपिटल होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आप सेल कर रहे हो तो सेल करते वक्त आपके ट्रांसपोर्ट वगैरह के खर्चे हो गए, कुछ और खर्चे हो गए, पैकिंग वगैरह के, तो वो सारे खर्चे इसमें आ जाएंगे। तो एनी पेमेंट मेड टू द डिस्चार्ज कैपिटल लाइबिलिटी इज नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कोई भी आप पेमेंट करते हो किसके लिए, आप कैपिटल लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना चाहते हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जब भी आप किसी रेवेन्यू नेचर की लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना चाहते हो, मतलब खत्म करना चाहते हो, तो वो जो पेमेंट करोगे वो हमारा हो गया कैप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। कैपिटल को खत्म करना चाहते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू को खत्म करना चाहते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंपल है। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर डन आउट ऑफ द कैपिटल रिजर्व्स। तो कैपिटल रिजर्व्स क्या चीज़ है, कैपिटल रिजर्व्स हम एक अमाउंट निकाल लेते हैं अलग से बैलेंस शीट में, तो वो अमाउंट एक्चुअल में आती कहाँ से है, कैपिटल गेन में से। तो कैपिटल गेन में से कुछ खर्चा करते हैं, इसका मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा मेनली होता है कैपिटल रिजर्व्स में से, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा मेनली होता है जनरल रिजर्व्स में से जो रेवेन्यू के लिए बनाए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आगे सिक्स पॉइंट है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज द न्यू सोर्स ऑफ इनकम इज नॉन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई नया सोर्स चाहिए, तो नया सोर्स मतलब कोई मशीनरी चाहिए, कोई बिल्डिंग चाहिए, कुछ और चाहिए, तो उसके लिए प्रोजेक्ट लगाना है, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि वो क्या होता है हमारा प्री बिजनेस का, ठीक है, जो हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं, तो वैसा एक्सपेंस होता है, तो उसे हम धीरे धीरे करके रिटर्न ऑफ करते हैं, तो एक बार वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न द प्रॉफिट आउट ऑफ द परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम से जो भी आप कमा रहे हो, ठीक है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न द प्रॉफिट, तो जो भी आप कमा रहे हो उसको कमाने के लिए कुछ खर्चा कर रहे हो, तो एक हमारा परमानेंट सोर्स आ गया जो कि हमने परचेज किया कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करके, तो उसमें से हमने कुछ कमाया, कमाने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर भी किया, तो वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो दीज आर नॉन रिकरिंग, दीज आर रिकरिंग, बार बार होते हैं, बार बार नहीं होते, एक आधी बार होते हैं। तो एनी एक्सपेंडिचर एट पॉइंट, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट। तो अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट का मतलब कि अगर आपकी एसेट प्रोड्यूस कर रही है इस टाइम 800 यूनिट्स पर डे, तो आप उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करके 1000 या फिर 1200 यूनिट्स पर डे लेके जाना चाहते हो, तो उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो उसका कोई पार्ट चेंज करना होगा, ठीक है। एनी एक्सपेंडिचर इनकर टू एसेट टू कीप इट इन द रनिंग पोजिशन इज नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो वो 800 में बनी रहे, कि 800 यूनिट अगर पर डे का प्रोड्यूस कर रही है तो वो 800 यूनिट बना रहे, उससे कम ना हो। तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ग्रीसिंग वगैरह करनी होगी, तो उसे हम कहेंगे रेवेन्यू के कुछ खर्चे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग आ गया। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करनी है कोई भी, या फिर अमाउंट पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पे आ गया परचेज ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पे अमाउंट पेड टू द वर्कर्स। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे खर्चे आ जाएंगे, रेंट के, ट्रांसपोर्ट के, एडवर्टाइजमेंट के, कुछ वर्कर्स को पेमेंट करनी है, कुछ बैड डेट्स वगैरह के, सारे खर्चे यहाँ पे आ जाएंगे और एक्सपेंडिचर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएंगे। तो ये वाले खर्चे यहाँ पे, ये वाले खर्चे यहाँ पे, एग्जाम्पल्स आप और भी ज़्यादा दे सकते हो। आगे हमारे पास है कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस। तो कैपिटल लॉस में, इफ द लॉस इज डन ड्यू टू द सेलिंग ऑफ द कैपिटल एसेट, देन द सच लॉस इज नोन एज द कैपिटल लॉस। तो यहाँ पे अगर आपने कोई कैपिटल एसेट बेची तो उस पर जो लॉस हुआ वो आपका कैपिटल लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हो उसकी सेलिंग पे कोई लॉस हो गया तो वो आपका रेवेन्यू लॉस हुआ। ठीक है, तो कैपिटल लॉस इज कवर्ड अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन एंड लॉसेज में हम उसे कवर कर लेंगे, और ये वाला लॉस हमारा कवर होगा अदर सोर्सेज में। ठीक है, मतलब अदर सोर्सेज का मतलब ये जो कैपिटल गेन से अलग है, ठीक है, उनमें उनमें आ जाएगा। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का आ गया, मेनली बिजनेस एंड प्रोफेशन का आ जाता है हमारा, कोई हमारा अदर सोर्सेज का आ गया, सैलरी वगैरह का आ गया, तो उसमें जो भी आएगा, ठीक है, तो वो वाले सारे खर्चे आएंगे। तो यहाँ पे कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द रेवेन्यू गेन। तो यहाँ पे अगर आपका कैपिटल लॉस हो गया तो वो रेवेन्यू गेन के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता, एंड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली विद द कैपिटल गेन। तो यहीं पे रेवेन्यू लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द कैपिटल गेन। तो कैपिटल वाला रेवेन्यू के साथ सेटअप नहीं हो सकता, रेवेन्यू वाला कैपिटल के साथ सेटअप नहीं हो सकता, कैपिटल वाला कैपिटल के साथ सेटअप होगा, रेवेन्यू वाला रेवेन्यू के साथ सेटअप होगा। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हमारा है, कैपिटल लॉसेस कैन बी कवर्ड आउट ऑफ द कैपिटल रिजर्व। कैपिटल लॉस को मान लो आपके पास कैपिटल रिजर्व में आपका 20,000 रुपया पड़ा है, कैपिटल लॉस आपका किसी साल में हो गया 5,000, तो वो कैपिटल लॉस का रुपया किससे रिकवर करोगे? कैपिटल रिजर्व्स में से। तो उसमें से 5,000 रिकवर करके उसमें बैलेंस कितना बचेगा? 15,000 का। ठीक है, तो इसी तरह से रेवेन्यू लॉसेस को कवर करना है तो रेवेन्यू रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व। फिफ्थ पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल लॉस ड्यू टू द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। तो अगर लिक्विडेशन हो जाती है कंपनी की, चीज़ें बेचते हैं, बेचने के बाद भी हमारा लॉस आएगा। ठीक है, बेचने के बाद कई बार क्या होता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं बिकती या फिर कम बिकती हैं, तो उसमें हमारा लॉस आ जाता है। लॉस ड्यू टू द थेफ्ट इन द इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री में कोई चोरी हो गई, तो चोरी हो जाने के कारण या फिर आग लगने के कारण जो भी हमारा लॉस होगा वो लॉस होगा हमारा रेवेन्यू लॉस। तो यहाँ पे हमने किया कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट को, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, और दोनों लॉसेस को हमने क्या किया? डिफरेंस किया। तो डिफरेंस के जो भी नोट्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे बिलो लिंक डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन को नीचे ओपन करो, वहाँ पे दिया होगा डाउनलोड द नोट्स। ठीक है, द पीडीएफ नोट्स, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके इसको पढ़ लो। ठीक है, तो मेनली अब मैं क्या करूँगा, अगर कोई वीडियो डाला करूँगा तो उसके रिलेटेड अगर कोई भी नोट्स बनेंगे तो उन नोट्स को मैं पीडीएफ फॉर्म में बनाऊंगा, पीडीएफ फॉर्म में बना के लिंक जनरेट करके आपका वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको देख पाओ। ठीक है ना, तो अब से मैं ऐसा ही किया करूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करके जाओ, शेयर करके जाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो, और अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है इनकम टैक्स का, चाहे किसी और सब्जेक्ट का बीकॉम के रिलेटेड, तो आपको नीचे कमेंट करना होगा, कमेंट में आपको बताना होगा कि आप कौन से कॉलेज में से हो, कौन सी बुक यूज़ कर रहे हो और कौन सा टॉपिक आप समझना चाहते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कमेंट आता है और वो बताते हैं कि इस बुक में से करवा दो, तो आपको सबसे पहले पूरी डिटेल्स बतानी होगी अपने कॉलेज के बारे में, और तो फिर ही मैं करवा पाऊंगा उस बुक को मेंटेन करके, उस बुक को कहीं ना कहीं से लेके। ठीक है ना, तो नीचे सारा कुछ दे दिया करो कमेंट में, तो मैं आपको वो वाला टॉपिक करवा दूंगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, इस वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को, और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं।